हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या कर रही, तो मैं यहाँ किचन साफ़ कर रही हूँ। कल रात में मैंने काम नहीं कर पाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं बता नहीं सकती मैं क्यों थी परेशान, लेकिन मैं बहुत परेशान थी और मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों परेशान थी। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग टेंशन में थे दोनों जन, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। रात के 1 बजे तक हम लोग मतलब बैठे हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी थी इस वजह से। तो मैंने कोई काम ही नहीं किया था, किचन साफ़ नहीं किया था और खाना भी मैंने नहीं बनाया था। लेफ्ट ओवर खाना मैंने सारा गर्म करके वही खा लिया था और खाया भी नहीं जा रहा था। तो जो लेफ्ट ओवर खाना और कल का रूटीन जो शाम का मैंने आप लोगों से अपने फैमिली ब्लॉग पर शेयर किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। उसमें भी मैंने बताया हुआ, अभी मैंने शेयर किया हुआ है। तो मतलब कि ना, एकदम जब कोई बात की टेंशन होती है या कुछ हो जाता है या कोई चीज़ खो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरी कोई चीज़ खो गई है और इस वजह से मैं ना बहुत परेशान थी। पूरे घर में खोज डाला, कहीं नहीं मिली। तो बस इसी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड से खो गई है वो चीज़ सबसे ज़्यादा, वो भी बहुत परेशान थे, उन्हीं के हाथों से खो गई है। तो बस क्या कर सकते हैं, नहीं मिली, देखते हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम था सुबह सुबह, अभी ना काफ़ी जल्दी मुझे उठना पड़ता है। कार्तिक की स्कूल रहती है और उसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस को पहले क्लीन अप किया, उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई है। चाय चढ़ाने के बाद वहाँ पर चाय चढ़ा के आ गई हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, तो साथ के साथ ये काम हो जाते हैं, करते जाती हूँ। वहाँ मेरी चाय पकेगी तो वहाँ खड़ी नहीं रहूँगी इतनी देर में, मैं कुछ और काम निपटा लूँगी। तो क्योंकि चाय को थोड़ा सा मैं अच्छे से ही पकाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, मेरी चाय ना एकदम कड़क होनी चाहिए। मुझे एकदम पानी जैसी चाय ना बिल्कुल पसंद नहीं, भले ही मुझे 2 चम्मच कोई चाय दे मैं बता रही हूँ एक बात कि मतलब मुझे ना चाय थोड़ी सी मिले, लेकिन बहुत ही अच्छी वाली चाय होनी चाहिए। तो मैं उस तरीके की अच्छे से खूब उसको उबलने देती हूँ 5 से 10 मिनट। इतनी देर में मैं अपने और भी काम है मॉर्निंग के, वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ कार्तिक रेडी हो गया है, ड्रेस वेस पहन लिया है, तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाने को दूंगी। और बोल रहा था कि मम्मी मैं भी कुछ ले जाऊंगा, सब लोग बिस्किट या कुछ ऐसे मतलब चिप्स वगैरह लाते हैं बच्चे। तो मतलब लंच तो नहीं होता, लेकिन जब छुट्टी होती है तो वो खा लेते हैं खेल खेल में वहीं, तो इस वजह से वो भी बोल रहा था, तो वो बिस्किट लेके जाएगा। तो अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ टिफ़िन, तो बस वो रेडी हो गया है, उसको मैं अभी कुछ खाने को दूंगी। अभी टाइम है क्योंकि बहुत जल्दी वो रेडी हो जाता है, अभी कोई टाइम भी नहीं हुआ है। 7:30 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे अच्छी खासी धूप निकलने लगी है, और इतनी अच्छी धूप आ जाती है बहुत ही तेज़ वाली, और लगता ही नहीं कि अभी 7:30 ऐसे बज रहे हैं। सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त भी साथ में आ गए हैं, कार्तिक को ये छोड़कर आ गए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ अपना काम वाम करके अंदर का रूम का, उसके बाद मैंने चाय यहाँ पर निकाल ली है आकर। तो बस इतनी देर में मैंने चाय निकाल ली, ये भी आ गए थे, इसीलिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि तब तक कार्तिक, और वो कितने बजे, 8 बजे के पहले ही चला गया, 8 बजे ऐसे करता है वो, टाइम से पहले ही स्कूल चला जाएगा, खेलेगा, फिर वहाँ टाइम होगा तो फिर स्कूल अंदर हो जाएंगे बच्चे। बस ये मेरे चाय वाय मैंने पी ली है हम लोगों ने, और यहाँ पर मैं करने लग रही हूँ कपड़े फोल्ड। और कपड़े मैंने कल धुल कर रखे थे, सबसे बड़ा एक तो बेकार काम रहता है कपड़े फोल्ड करना
क्योंकि इनको धो के भी रखो और फोल्ड करके भी रखो, तभी जाके थोड़ा सा घर ना ठीक ठाक रहता है। अगर ऐसे पड़े रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि कबाड़ खाने जैसा घर ना लगता है। तो बस फटाफट से इनको फोल्ड करके रख दूँगी, जमा दूँगी। उसके बाद थोड़े से कपड़े और हैं अभी तो अंदर पड़े हुए हैं, उनको अभी मैं छांटूंगी। जल्दबाजी रहती है ना सुबह सुबह टाइम, मुझे भी सभी लोगों को रहती है मेरे घर पे। जैसे कार्तिक भी करता है, वो ड्रेस वेस पहनेगा तो सारे कपड़े इधर उधर मिक्स कर देता है, और मेरा भी कुछ ऐसे ही रहता है। जब जल्दबाजी होती है ना तो कुछ ऐसे ही हो जाता है, तैयारी यार होती हूँ ना तो कपड़े मिक्स हो ही जाते हैं, फिर मुझे उनमें से छांटना होता है। कहीं धोले कपड़े में मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी ना बहुत, मतलब सुबह से शाम, शाम से सुबह तक ऐसे एक दिन दो दिन हो जाते हैं कपड़े फोल्ड ही नहीं कर पाती हूँ मैं, तो पड़े रहते हैं अंदर वाले सोफे पे, तो उन्हीं में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ का भी मैं बेड ठीक कर दूँगी, थोड़ा सा झाड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर उठना बैठना रहता है तो कचरा वगैरह हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से मैं झाड़ दे रही हूँ। तो वहाँ का काम ख़त्म कर दिया है मैंने यहाँ का, और अब मैं आ गई हूँ कुछ कपड़े गंदे वाले जो हैं उनको निकाल दूँगी। अगर आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सच में दिन भर में कार्तिक के तो होते ही हैं, मेरे भी कम से कम 2 से 3 बार कपड़े में चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि देखिए सुबह मॉर्निंग में जो काम करती हूँ, फिर नहाने के बाद फिर दूसरे, फिर उसके बाद मेरा जो दोपहर का काम होता है उनमें अलग पहनती हूँ, क्योंकि उनमें तेल ही तेल वाला काम रहता है ना, तेल लग जाता है, पापड़ बनाने होते हैं तो उनके लिए मैं अलग पहनती हूँ, क्योंकि फिर गंदे हो जाते हैं, दाग तेल के लग जाते हैं ना, ख़राब लगने लगता है। तो इस वजह से मेरे भी 2-3 जोड़ी एक दिन के हो जाते हैं, तो बहुत कपड़े निकलते हैं मेरे, तो कपड़े धो धो कर मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ पर बस कपड़े मैंने निकाल लिए थे, झाड़ू लगा दी थी अंदर वाले रूम में भी, और यहाँ पर भी अभी हाँ नहीं लगाई हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर देती हूँ फिर लगाऊंगी। और उससे पहले मैं बनाने लग रही हूँ खाना, तो बस साथ के साथ खाना भी बनाते जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। पता है कल रात को लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, हम लोग लेकर आए थे वहीं से लौटते समय, तो पनीर लेकर आए थे, तो बड़ा मतलब इच्छा थी कि खाएंगे। तो कल ना ऐसी चीज़ ऐसा मतलब वो हो जाता है ना टेंशन दिमाग में किसी चीज़ के कारण, तो मैंने फिर कुछ नहीं बनाया। मैंने इनसे कहा यही खा लो, मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं मेरा ना इच्छा भी नहीं हो रही बनाने की कुछ भी। तो कल अच्छा मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी तो वो रखी हुई थी, वही मैंने रात को गर्म करके चावल फ्राई करके वही खा लिए थे हम लोगों ने। तो आज सुबह मैं बना रही हूँ, मैंने फ्रिज में रख दिया था तो पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा सा अदरक लहसुन बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज काट कर और उनको फ्राई कर लिया था, टमाटर डाल दिया था, टमाटर मैंने पका कर रखा हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस इन चीज़ों को मैंने डालकर और ठंडा करके मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है। थोड़े से मटर रखे हुए थे और मटर मेरे उगने लगे थे, मतलब थोड़े से जड़ निकलने लगे, वो सॉरी अंकुरित टाइप के होने लगे थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। आधे ही मटर मैं यूज कर रही हूँ, थोड़े से मैं रख दूँगी तो मटर को धुल लूँगी। और यहाँ मैं बस उसी सेम पेन को मैंने अच्छे से धो लिया है, थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद सूखे मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। इनको कुछ ही सेकंड के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर मतलब इनको फ्राई करना है, मसालों को, सूखे ही मसालों को, पानी नहीं डालना है। और बस उसके बाद कुछ ही सेकंड मैंने भूना, उसके बाद ये सारा मसाले का पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारा मैंने मसाला जो ऐड कर दिया है, और मिक्सर जार में थोड़ा बहुत लगा था पानी डाल मिलाकर मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा जब तेल और ऑयल जब तक सेपरेट ना होने लगे तब तक इसको पकाना है।
साथ के साथ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, क्योंकि ये उछल रहा था ना, तो नमक डाल दो तो थोड़ा कम हो जाता है। तो मसाला तब तक पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पर पनीर को पीसेस में कट कर लूँगी। यह 250 ग्राम पनीर है तो मैं आधा ही बना रही हूँ, इतना क्योंकि हमारे लिए काफ़ी है तीनों के लिए। और इसी स्टेज पे मैं आधा ही मसाला भी भुना है, तो इस पे मैं डाल दूँगी मटर, क्योंकि मटर तो हमारे पके हुए नहीं है ना, तो मैं इनको डाल दूँगी। जितनी देर में मसाला भुनेगा मटर भी पक जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है मटर को पकने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाद में ही ऐड किया है। और बस थोड़ा सा ही कुछ गिरा गंदा हुआ, तो आप लोग देख रहे हैं मैं साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। तो बस, और एक चीज़ और, मैं यहाँ पर जब पनीर बनाती हूँ ना, तो मैं पनीर कभी फ्राई नहीं करती, आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं क्यों मुझे मतलब ना उस टाइप का ना एकदम कड़क सा हो जाता है, तो वो सही से नहीं लगता। तो इस तरीके से मैं जैसे ही काटती हूँ तुरंत के तुरंत फिर मैं डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने धनिया भी काट लिया है और उसी में मैंने रख दिया है। तो कभी कभी मैं फ्राई कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हो जाता है बाय चांस कभी कभी। साथ के साथ मेरे किचन के काम चलते रहते हैं, खाना जितनी देर में पकता रहता है तो मैं यहाँ किचन में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, डब्बों में कुछ खाली तो नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा पड़ा तो नहीं है। शक्कर के डिब्बे में शक्कर थोड़ा कम हो गई थी, तो मैंने पन्नी में रखी थी पॉलीथीन में, तो वो मैंने उसमें भर दी है। और यहाँ पर देखती जाती हूँ तो ये काम भी होते जाते हैं। कभी कभी अगर वो काम नहीं होते हैं तो ना क्या करती हूँ, किचन के जो डब्बे होते हैं ना, सॉरी जो मसाले के या किसी भी चीज़ के, तो उनको मैं पोंछती रहती हूँ खड़े खड़े वहीं पर, तो खाना भी बनता जाता है और ये काम भी हो जाते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया था, हमारे मटर भी बहुत अच्छे से पक गए थे, उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और साथ के साथ धनिया भी, क्योंकि थोड़ा सा धनिया भी इसी के साथ पक जाएगी, क्योंकि उसकी जो डंठल थोड़ी सी कड़ी कड़ी होती है ना, वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी जो है वो तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से बन गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मैंने नाश्ता कुछ बनाया नहीं, तो मैं यही नाश्ता थोड़ा सा कर लूँगी, भूख लग रही थी तो मैं इसी चावल मैंने रख दिए थे कुकर में बनने के लिए, चावल भी बन गए सब्जी बन गई, बस यही आज का हमारा सिंपल सा जो लंच है वो रहा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और पनीर की सब्जी कैसी लगी आप लोगों को, बिना मलाई और बिना क्रीम के मैंने मटर पनीर बनाया है, बहुत ही यम्मी लगता है, अच्छा लगता है। मैं वैसे भी बहुत ही कम डालती हूँ, तो इस तरीके से भी बहुत ही अच्छी लगती है, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी जो चीज़ें हैं मेरे पास रहती हैं वहीं से मैं बना लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।